हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल साधन। साधन में हम करते हैं स्टॉक्स को सिंपलीफाई, और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सिंजीन इंटरनेशनल में पिछले दो क्वार्टर्स में क्या हुआ, क्योंकि इस पे हमने एक काफी डिटेल वीडियो आज से 3-4 महीने पहले बनाई थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद किया। मैं आपको उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने इस वीडियो को देखा और सराहा है। तो उसी पे आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए कि ये कंपनी अभी कैसा कर रही है, कि फ्यूचर और प्रॉस्पेक्ट्स क्या है, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही है, ये सारी चीजों को मैं समराइज करूंगा इस वीडियो में। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें सो दैट यूट्यूब ये इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक पहुंचाए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। सबसे पहले जानते हैं कि सिंजीन इंटरनेशनल ने पिछले क्वार्टर यानी जो 31 दिसंबर का क्वार्टर क्लोज हुआ है उसमें कैसा परफॉर्म किया है। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉप लाइन। टॉप लाइन हैज ग्रोन बाय 13% अगर इंडियन रुपीज में बात करें, बट ये कंपनी बेसिकली 96% ऑफ रेवेन्यू जो है वो फॉरेन करेंसी में अर्न करती है। मेजरली ये करेंसी जो है यूएस डॉलर होती है। तो अगर कांस्टेंट करेंसी में बात करें यानी यूएस डॉलर टर्म्स में बात करें तो कंपनी हैज ग्रोन इट्स टॉप लाइन बाय 10% और 2-3% का जो इंक्रीमेंट आया है दैट इज बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। तो ओवरऑल कंपनी हैज ग्रोन बाय 13%। कंपनी की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो 13% से ग्रो करने का रीजन ये है कि कंपनी ने अपने अक्रॉस चारों सेगमेंट में अच्छा किया। अब इन चारों सेगमेंट के बारे में डिटेल में मैं सेगमेंटल एनालिसिस में बताऊंगा, बट दिस क्वार्टर हैज बीन गुड फॉर ऑल दिस 4 सेगमेंट्स। इस क्वार्टर में सबसे अच्छी बात जो रही है वो ये है कि कंपनी ने अपने एबिटा मार्जिन को 32.1% पे मेंटेन कर रखा। अब मैं इसे इतना इंपॉर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस कंपनी ने अभी अभी एक API मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मैंगलोर में ऑपरेशन किया है। प्लांट से इन्हें कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है क्योंकि वो अभी वैलिडेशन फेज में है। तो उस प्लांट के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जैसे पावर कॉस्ट है, इंप्लॉय कॉस्ट है, वो तो बिल्ट इन हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के थ्रू पास ऑन हो रहा है। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में 2% का एडिशन हो गया है, बट फिर भी एबिटा मार्जिन इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है। दैट शो दैट कंपनी की मैनेजमेंट है वो कॉस्ट कंट्रोल पे ध्यान दे रही है। और इन्होंने अपने कॉन्कॉल में भी कहा कि दे आर अप्लाइंग सम टेक्निक्स सच एज काइजन, सिक्स सिग्मा, ये सब जो जैपनीज टेक्निक होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में यूज होती हैं उन्हें वो अप्लाई कर रहे हैं। दैट टेल्स अ लॉट अबाउट द मैनेजमेंट क्वालिटी ऑफ दिस स्टॉक। तो एबिटा मार्जिन इज कॉन्स्टेंट इज अ वेरी गुड पॉजिटिव फॉर दिस क्वार्टर। फिर मैं पैट की बात करूँ तो पैट मार्जिन जो है वो 17% का है, विच इज इन लाइन विथ लास्ट क्वार्टर। और इस कंपनी ने पिछले 9 महीने में एक चीज और प्रूव की, वो ये कि दे आर वेरी गुड इन सर्विसिंग। दे आर आफ्टर ऑल अ सर्विसिंग प्लेयर। तो सर्विस इंडस्ट्री में अगर आप इन स्पाइट ऑफ द पैंडेमिक, कंपनी का जो लोकेशन है जो इंडिया में है और क्लाइंट्स जो है वो बाहर है, तो बाहर में पैंडेमिक का ज्यादा बुरा असर हुआ है, तो वहां पे सेकेंड वेव भी आया है, तो वहां पे तो लॉकडाउन पे लॉकडाउन बढ़ती जा रही है। बट इंडिया में इनकी पोजिशन होने के कारण दे हैव बीन एबल टू डिलीवर टू व्हाट दे हैव प्रॉमिस्ड। तो ये इनके ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत ही अच्छा बना देता है। दैट शोज दैट सिंजीन हैज बीन रियली गुड एट क्लाइंट सर्विसिंग, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सर्विस सेक्टर कंपनी। कंपनी के कॉस्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कंपनी के स्टाफ एम्प्लॉइज, क्योंकि इस कंपनी की जो कोर स्ट्रेंथ है, जो कोर डिलीवरी है, वो साइंटिस्ट से लिंक्ड है। तो साइंटिस्ट पे जो कॉस्ट होता है दैट कम्स अंडर एम्प्लॉई कॉस्ट। तो इनका एम्प्लॉई कॉस्ट जो है 150 करोड़ से बढ़ के रफली 170 करोड़ हो गया है पिछले क्वार्टर में। बट द कंपनी बिलीव्स फॉर दिस काइंड ऑफ सर्विस कंपनी एम्प्लॉइज आर नॉट कॉस्ट, दिस शुड नॉट बी सीन एज अ कॉस्ट, क्योंकि ये कंपनी फ्यूचर कैपेबिलिटी बिल्ड करने के लिए अभी इम्प्लॉइज को हायर कर रही है। और ये इम्प्लॉइज जो है बहुत सारे बिजनेसेस में तो डे वन से ही रेवेन्यू अर्निंग हो जाते हैं, बट इन सर्टेन केसेस जहाँ पे फी फॉर सर्विस वाला मॉडल है, जहाँ पे कोई प्रोजेक्ट होता है उस पर वो इन्वॉल्व होते हैं, देन देयर बिलिंग स्टार्ट्स, वहां पे दे कैन बी सीन एज अ कॉस्ट, बट दैट विल हेल्प द कंपनी टू गेन माइलेज इन टर्म्स ऑफ नए प्रोडक्ट, नए कस्टमर अक्वायर करने में। आई थिंक दैट वी शुड नॉट सी राइजिंग एम्प्लॉई कॉस्ट एज अ नेगेटिव फॉर दिस कंपनी, बिकॉज दैट इज पार्ट ऑफ दियर कोर ऑफरिंग बिल्डिंग। बिफोर मूविंग टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इस कंपनी की जो इफेक्टिव टैक्स रेट है वो काफी कम है। अगर आप ओवर द पीरियड आप देखेंगे तो इस कंपनी ने कभी 30% जो इंडिया का स्टैंडर्ड टैक्स रेट है उसके आसपास कभी टैक्स नहीं दिया। तो ऐसा होने का क्या रीजन है? इस कंपनी के जो प्लांट है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, SEZ जिसे बोलते हैं। तो वहां पे अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, वहां से कोई सर्विस डिलीवर करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, तो वहां आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। सो इस कारण इस कंपनी ने अभी तक अपनी हिस्ट्री में बहुत ही कम टैक्स दिया है, और गोइंग फॉरवर्ड ये टैक्स इफेक्टिव टैक्स रेट जो है वो 12-13% के करीब आ रहा है। ये इन्हें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज भी देता है, क्योंकि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में एक टैक्स इफिशियंसी इनबिल्ट है। बिकॉज क्या हुआ है कि इस क्वार्टर में जो नया प्लांट ऑपरेशनल हुआ उसके कारण डेप्रिसिएशन जो है
वो एक्सपेंस में बढ़ गया तो डेप्रिसिएशन बढ़ने के कारण प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम हो गया, तो इफेक्टिव टैक्स और भी कम हो गया। और साथ ही ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हो रहे थे 2% के करीब बिकॉज ऑफ मैंगलोर एपीआई प्लान, दैट ऑल्सो हेल्प इन डिक्रीजिंग द इफेक्टिव टैक्स। द डील विद द टैक्स इज की बिकॉज ऑफ देयर लोकेशन इन एसिजेट फॉर 0 to 5 years दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम 100% ऑफ टैक्स इनकम। फिर 5 to 10 years में भी वो 50% तक का उन्हें टैक्स एडवांटेज मिलता है, और 10 to 15 में भी 50% का उन्हें टैक्स एडवांटेज मिलेगा गिवन टू सर्टेन माइलस्टोन। तो ये कंपनी हैज बीन एबल टू अचीव दोज माइलस्टोन, और इसके कारण इस कंपनी को टैक्स एडवांटेज है अगेंस्ट एनी अदर कंपनी इन दिस कंट्री। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज है जो मुझे लगा कि आई शुड शेयर इट विथ यू, सो दैट गिव्स अ इनहेरेंट स्ट्रेंथ इन द बिजनेस मॉडल ऑफ सिंजी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेगमेंटल एनालिसिस, क्योंकि कंपनी जो है 4 सेगमेंट्स में ऑपरेट करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बिजनेस है जो 32% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, वो है इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी यानी आईडीडी। आईडीडी इज बेसिकली हाई मार्जिन बिजनेस, क्योंकि यहाँ पे ये ऑन बिहाफ ऑफ बिग फार्मा कंपनीज फुल टाइम इक्विवेलेंट बेसिस पे एम्प्लॉय को हायर करते हैं। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे वो सिंजीन के एम्प्लॉय ना हो बल्कि वो एनजीन या एमबीएमएस या फिर सनोफी के क्लाइंट है। सो दैट वे ये एक हाई मार्जिन बिजनेस है, और इसमें इस बिजनेस में ये कंपनी काफी स्ट्रांग है। तो इस बिजनेस में बेसिकली क्या करते हैं कि ड्रग डिस्कवरी का अर्ली स्टेज यानी कि कौन से किस मॉलिक्यूल पे रिसर्च करना है, कौन से बीमारी पे रिसर्च करना है, एंड बेसिक चीजों पे ये रिसर्च करते हैं। बहुत ही प्रायोरिटी वाला गेम होता है यहाँ पे। तो ये काम जनरली जो है जो बायोटेक कंपनीज होती हैं ये आउटसोर्स कर देती हैं, बिकॉज इसमें बहुत हीट एंड ट्रायल होते हैं, बहुत लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो जो स्मॉल बायोटेक कंपनीज जो यूएस में या इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, जो इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है वहां पे, अभी गोइंग फॉरवर्ड ट्रेंड ये है कि डोंट डू एवरीथिंग ऑफ ऑफ योर ओन, ट्राई टू आउटसोर्स थिंग्स। लाइक जो भी कुछ क्रिटिकल पोर्शन है वो खुद करते हैं, बट ड्रग डिस्कवरी में कुछ पोर्शन जहाँ पे कुछ डेटा से डील करना है, जहाँ पे कुछ लैब एक्सपेरिमेंट करने हैं, वहां पे ये काम आउटसोर्स कर देते हैं टू क्रैम्प प्लेयर लाइक सिंजी। और इस सेगमेंट में इस कंपनी के पास जो क्लाइंटेल है वो काफी रेप्यूटेड है, इसमें ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइंट और मर्क जैसे क्लाइंट है इस कंपनी के पास। तो इस क्वार्टर में इस सेगमेंट में ऐसा क्या हुआ है विच यू शुड? यूएस में एक बहुत ही बड़ी बायोटेक वेंचर कैपिटल फॉर्म है जिसे डियरफील्ड ड्रग डिस्कवरी सर्विसेज करते हैं यानी 3DC। तो ये 3DC जो है उसका जो स्केल ऑफ ऑपरेशन है दैट इज वेरी ह्यूज, क्योंकि दे वर्क विथ यूनिवर्सिटीज, दे वर्क विथ मोर देन 200+ कंपनीज एंड प्रोजेक्ट्स जहाँ पे वो ड्रग डिस्कवरी में एडवाइस करते हैं और हेल्प करते हैं। तो इन लोगों ने सिंजीन के साथ ड्रग डिस्कवरी वाला इंटीग्रेटेड ड्रग डिस्कवरी वाले प्लेटफॉर्म के लिए ज्वाइंट वेंचर किया है, जहाँ पे कुछ बायोलॉजिक ड्रग्स 4 प्रोजेक्ट्स जो है वो सिंजीन को अवार्ड हुए हैं, जिसमें FY22 ऑनवर्ड्स उन्हें बिजनेस आने लगे। पार्टनरिंग विथ 3DC इज अ बिग डील बिकॉज 3DC इज अ वेरी रेप्यूटेड एज वेल एज इनके पास जो जो वर्क स्कोप ऑफ वर्क है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। तो अगर सिंजीन के साथ इनका टैंगो अच्छा रहता है देन इट इज अ ह्यूज पॉजिटिव फॉर सिंजीन बिजनेस मॉडल बिकॉज दे विल टेक दिस कंपनी टू अ ग्रेटर हाइट। तो ये प्रोजेक्ट इनके लिए काफी अच्छे वंडरफुल रिजल्ट ला सकता है गोइंग फॉरवर्ड, ऐसा मेरा मानना है। अब बात करते हैं डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज की। तो डेवलपमेंट यानी कि जब किसी ड्रग को डेवलप करना होता है, दिस इज नॉट ऑन अ कमर्शियल बेसिस बट प्री क्लिनिकल एंड क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो ड्रग को डेवलप करते हैं उसमें बहुत सारा रिसर्च होता है, बहुत सारा ट्रायल्स होते हैं वो, और बहुत सारा डेटा एनालिसिस होता है, ये काम ये करते हैं। तो डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग इज अ पोर्शन जहाँ पे वो दे आर ट्राइंग टू वर्क एज अ CDMO यानी कॉन्ट्रैक्ट ड्रग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव सेटअप दिस मैंगलोर प्लांट पर्टिकुलरली फॉर दिस पर्पज, और इस यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि दे हैव स्पेंट $75 मिलियन, और उस इन्वेस्टमेंट के बाद मैंगलोर प्लांट हैज बीन रेडी। यहाँ पे वो ना सिर्फ API बनाएंगे बट केमिकल इंटरमीडिएट्स, फार्मा इंटरमीडिएट्स भी बनाएंगे। तो अक्रॉस द वैल्यू चेन मल्टी प्रोडक्ट मल्टी क्लाइंट ऑफरिंग दे पाएंगे। तो एज अ CDMO प्लेयर दिस प्लांट गिव्स देम अ फ्लेक्सिबिलिटी टू वर्क विथ वेराइटी ऑफ क्लाइंट्स, क्योंकि इनके पास जो जो क्लाइंट बेस है वो काफी वेरीड है, तो इसीलिए एक फ्लेक्सिबल प्लांट ही इनके लिए सूट कर रहा था। और कंपनी ने गाइड किया है कि इनका जो प्लांट का जो कैपेक्स है रफली 750 करोड़ का जो इनकर हो चुका है उस पे वो 1x का एसेट टर्न जो है अचीव करेंगे व्हेन द प्लांट बिकम फुली ऑपरेशनल। अभी प्लांट वैलिडेशन फेज से जा रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे क्लाइंट जो भी इनके पास आए हैं उनके इनिशिएशन से USFDA, जापानीज रेगुलेटर्स एंड EMEA जो यूरोपियन रेगुलेटर है, दे विल कम विजिट एंड वैलिडेट दिस प्लांट फॉर दैट मॉलिक्यूल, एंड दिस वे
दिस प्लांट विल मेक डू बिजनेस। तो ये एक बहुत ही माइलस्टोन बेस्ड एक स्टैगर्ड वे में यहाँ पे रैप अप होने वाला है। तो कंपनी का मानना है कि FY22 ऑनवर्ड्स यहाँ से कैश फ्लो आना शुरू होगा, बट द फुल रैंप अप ऑफ दिस प्रोजेक्ट वुड बी अचीव्ड आफ्टर 3 to 5 years फ्रॉम नाउ। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑपरेटिंग लेवरेज बिल्ट इन कर रहा है इस कंपनी के मॉडल में, क्योंकि जो कॉस्ट इनकर करना था वो उन्होंने कर दिया, ऑपरेशन एक्सपेंसेस भी इनकर होने लगे, बट रेवेन्यू हैज नॉट येट कम। तो रेवेन्यू जैसे जैसे वैलिडेशन आएगा वैसे वैसे रेवेन्यूज भी आनी शुरू होंगी, एंड दिस विल हेल्प द कंपनी टू ग्रो इट्स टॉप लाइन लाइक इन एक्सपोनेंशियल फैशन। बिकॉज ऑपरेटिंग लेवरेज में यही होता है कि आपके आपके वेरिएबल कॉस्ट कम होते हैं और फिक्स कॉस्ट ज्यादा होता है जो आप ऑलरेडी इनकर कर चुके हैं। तो गोइंग फॉरवर्ड वेरिएबल कॉस्ट बहुत कम होने के कारण आपके एबिटा मार्जिन इंक्रीज होती रहती है। तो ऑलरेडी कंपनी हैज डिलीवर्ड 32% ऑफ एबिटा, बट गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर 2 years आई सी दैट दिस कंपनी विल बी गोइंग टुवर्ड्स 35-40% ऑफ एबिटा मार्जिन बिकॉज ऑफ दिस मैंगलोर एपीआई प्लांट। बाकी जो 31% रेवेन्यू है वो डेडिकेटेड सेंटर्स के थ्रू आता है, जहाँ पे वो बड़े फार्मा कंपनीज के लिए डेडिकेटेड लाइन बनाते हैं, उनके लिए डेडिकेटेड लैब्स होते हैं, डेडिकेटेड स्टाफ होते हैं, वो उस कंपनी की R&D रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं अपने साइंटिस्ट के थ्रू फॉर दोज क्लाइंट्स। तो ये काइंड ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आउटसोर्सिंग हो जाती है। तो यहाँ पे भी 31% का रेवेन्यू आता है, सो दैट बिजनेस इज डूइंग ओके। अब इस कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज द कंपनी इज स्टिल इन इन्वेस्टमेंट फेज। ये पिछले 10 क्वार्टर से 2.5 साल से इन्वेस्ट कर रही है ओवर ईयर, एवरी ईयर्स दे हैव बीन इन्वेस्टिंग रफली $100 मिलियन। तो FY19 में इन्होंने $343 मिलियन का ग्रॉस ब्लॉक क्रिएट किया था, पिछले साल इनका ग्रॉस ब्लॉक बढ़ करके $451 मिलियन हो गया, और इस साल इन्होंने जो टारगेट किया है वो है $550 मिलियन, बट ड्यूरिंग पास्ट 9 मंथ जो है इन्होंने $53 मिलियन ही स्पेंड किया है ओवर ओवर FY20 नंबर्स। तो इस साल वो अपने प्लांट कैपेक्स से पीछे होंगे, बट द मैनेजमेंट इज सेइंग दैट सिंस दे ऑलरेडी हैव बिल्ट इन कैपेसिटी, तो उनके कारण उन्हें अपने कैपेक्स में अगर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है तो उनको रेवेन्यू शॉर्टफॉल नहीं होगा, इनके इनका कोई वर्क जो है लॉस नहीं होगा, जॉब वर्क लॉसेस नहीं होंगे, तो इसके कारण इनके टॉप लाइन और फाइनेंशियल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। बट द कंपनी हैज बीन एबल टू स्पेंड दिस काइंड ऑफ ह्यूज कैपेक्स फ्रॉम देयर इंटरनल कैश फ्लो, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट देयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि मैंने इस कंपनी के जो कॉन कॉल्स पढ़े सुने और बहुत सारी चीजें जो स्टडी के दौरान मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि इस कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज ए क्लास, बिकॉज हम सभी जानते हैं कि दिस इज अ बायोकॉन सब्सिडियरी, बायोकॉन इज रन बाय किरण मजूमदार शॉ, बट शी इज नॉट वर्किंग विथ सिंजीन इन एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी, शी इज जस्ट अ नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। और उन्होंने इस बिजनेस का जो पूरा कंट्रोल एज ए MD एंड CEO जोनाथन हंट को दे रखा है, इज अ ब्रिटिश नेशनल बट ही हैज बीन फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ विद द बिजनेस डिसीजन, एंड उनकी जो थॉट प्रोसेस है आई रियली फाउंड इट वेरी गुड एंड इज वेरी प्रोफेशनल। ही वर्क विद AstraZeneca विच इज अ लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी, ही वाज इंडिया हेड ऑफ AstraZeneca बिफोर ज्वाइनिंग दिस कंपनी। द कंपनी इज रन बाय एबल पीपल, That is my qualitative take on this company's management. So with this, I'll close this video and आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक भी शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, और इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और आप कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर लिखें कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आपको कौन सा स्टॉक एनालाइज करना है, या आपको सिंजीन के बारे में अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क, आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चंस। So with this, thank you. Thanks a lot.